नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना आपके लिए, ये आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, काम कारोबार आपका कैसा रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो तभी आप अपने जीवन के सभी कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कितना धन लाभ इस महीने आपको मिलने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा मासिक राशिफल में। साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इसकी जानकारी मिलेगी, और कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, क्या आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रिश्तों में कोई तलखी आ सकती है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, और क्या मेरी विशेष सलाह, ये सभी जानकारी मासिक राशिफल में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दर्शकों, यहां पर कुछ राशियों को थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और केतु की युति आने वाले 15 दिन तक चलेगी। किन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा और क्या उपाय होंगे, पूरी जानकारी जरूर देखिए अक्टूबर माह के मासिक राशिफल में। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, मयंक जी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर है हरिद्वार से आपका मासिक राशिफल। अक्टूबर माह का मासिक राशिफल आप लोगों के लिए आपकी बार कैसा रहने वाला है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बताने की आपको कोशिश करेंगे कि ग्रहचाल के आधार पर ये जो महीना है आपकी सेहत के लिए, आपके काम कारोबार के लिए, आपके रिश्तों के लिए और आपके धन धान्य के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। तो इस महीने कितने बड़े परिवर्तन आप खुद में महसूस करेंगे और ये महीना आपके लिए क्या कुछ कहता है, आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं आपकी ग्रहचाल के बारे में, बताएं। बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी ग्रह स्थिति की बात करें तो पहले दूसरे तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में है, पंचम भाव में राहु है, छठा भाव खाली, सातवें भाव में बृहस्पति हैं जो जल्द ही वक्री होने वाले हैं, आठवें भाव में राशि का स्वामी मंगल बैठा है, नौवां भाव खाली, दशम भाव में चंद्रमा, ग्यारहवें भाव में सूर्य बुध और केतु की युति है, और बारहवें भाव में शुक्र विराजमान है। तो ये ग्रह स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ये ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि महीना आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, कुछ अच्छा रहेगा, कुछ थोड़े से खट्टे अनुभव भी हो सकते हैं। तो खट्टी मीठी यादें इस महीने की बनने वाली हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि इस पूरे महीने क्या आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें परेशान करेंगी, बताएं। जी बिल्कुल, इनको इस महीने थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनको आ सकती हैं, तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, पेट संबंधी बीमारी भी उभर सकती है, तो इसलिए आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मयंक जी, इसी के साथ अगर बात करें हम स्टूडेंट्स के लिए, तो छात्र छात्राओं के लिए उनके करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से ये महीना उनका कैसा गुजरेगा, बाहर जाने की अगर ये लोग सोच रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो क्या ये समय है उनके लिए? बिल्कुल, जो छात्र विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, और ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, और अगर आपका कोई इस समय टेस्ट या इंटरव्यू है तो वो भी आपको हम कह सकते हैं उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्ते। इस बार रिश्ते कितने नए रिश्तों से आप लोग जुड़ेंगे, आपके अपनों के साथ किस तरह के रिश्ते बन पाएंगे और उनमें कितनी मिठास रहेगी, और आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन आपको कितनी खुशियाँ दे रहा है, आइए जान लेते हैं। देखिए, चाहे लव रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, इस महीने ये देखिए पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बहुत अच्छी अवस्था में है, शुक्र आपके बारहवें भाव में फिर लग्न में आने वाले हैं, तो देखिए जो सितारे जो संकेत दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण भी हो रहा है, मानसिक तनाव। हाँ, तो इस तरीके से क्या रहेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, उस चीज़ से बचना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचें, और गृहस्थ जीवन हो उसमें थोड़ी सी परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्र के अनुसार, तो थोड़ा सा कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मिल बैठ कर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि लव लाइफ जो है आपकी काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अब पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, तो वहाँ पे आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा, नौकरी में है, खुद का बिजनेस है, या फिर सोचा है कि भाई अब बहुत हो गई नौकरी, अब तो अपना कुछ करना है, कोई बड़ा परिवर्तन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये ठीक समय, कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आइए काम धंधा इस बारे में जान लेते हैं।
देखिए नौकरी हो या बिजनेस हो, ये समय जो आपका संकेत दे रहा है ये महीना आपके लिए, अब की स्थिति जो चल रही है वो काफ़ी अच्छी रहेगी जी। तो काम कारोबार में भी इस महीने अच्छा करेंगे, धन लाभ भी अच्छा होगा। नौकरी हो या व्यवसाय हो उसमें बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सही है, इस समय आप नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है स्थितियाँ आपके लिए काम कारोबार की तो काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है, बिजनेस भी अच्छा आपका चलेगा। और इसके अलावा कुछ इस तरह की प्लानिंग इनके खिलाफ़ ऑफिसेज़ में शत्रुओं से कोई ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए सूर्य केतु की युति है और मंगल अष्टम भाव में है और मंगल की सीधा सीधा चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है वो देखिए इस समय आपका केतु पर पड़ रही है, तो ये इशारा कर रहा है कि थोड़ा एक तो आप खुद भी विवादों से अपने आप को दूर रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें और वाहन भी संभल कर चलाएं। चलिए, फाइनेंशियली ये महीना आपको कितना धन धान्य से भरने वाला है? जी हाँ, आपकी तिजोरी कितनी जल्दी भर जाएगी, आपको कितना बड़ा आर्थिक लाभ इस महीने यानी कि अक्टूबर में होने जा रहा है ये भी जान लेते हैं। देखिए इस महीने में आपकी धन लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सूर्य बुध और केतु लाभ स्थान में बैठे हैं, शुक्र भी 12वें भाव में तुला राशि में अच्छा खासा धन लाभ आपको देगा, जी तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और सुख संसाधनों पे भी पैसा खर्च करेंगे। अगर आप कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए ओवरऑल तो बैंक जिससे अब तक हमने जाना आपके बारे में, आपकी सेहत के बारे में, रिश्तों के बारे में, आपके काम धंधे और आर्थिक स्थिति के बारे में, और अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत यानी कि भाग्य आपका कितना साथ देगा? देखिए भाग्य प्रतिशत जो है 80-85% इनका इस महीने साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कविता जी, बैंक जी ओवरऑल क्या लगता है, क्या सलाह आप इनको देंगे? देखिए वाहन संभाल के चलाएं, सेहत का ध्यान रखें, क्रोध की अधिकता से बचें और वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी ना आने दें। आप कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे आपके जीवन साथी को दिक्कतें या परेशानी उठानी पड़े। और उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का नियमित रूप से रोजाना जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, हल्दी या केसर का टीका माथे पर लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी जिनसे मैंने हमेशा हर महीने इनसे ये जानने की कोशिश होती है कि भाई आने वाला कल यानी कि आपका मासिक राशिफल क्या कहता है। आज के इस वीडियो में हमने बात की कि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए अक्टूबर क्या कुछ नया धमाकेदार करने वाला है, और इसी के साथ अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी जानना है, पूछना, किसी दुविधा में है जिसका आप समाधान ज्योतिष में ढूंढ रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर को अपने फोन में डायल करना है और फोन लगा देना है मयंक जी को जी। हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।